बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आया। सारे जवान साथ साथ निकले, पूरे यूथ जिस जिस घर में मैं गया तो उन्होंने मेरे साथ कंपनी दी, बराबर डोर टू डोर मेरे साथ चलते रहे। हम मेरे ख्याल से 5-10 बंदे यहाँ से शुरू हो गए, जब लास्ट के घर तक पहुँचे पीछे पीछे कम से कम 200-250 यूथ मेरे साथ साथ चल रहे थे। बहुत इनक्रेज किया मेरे को, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज भी इंशाल्लाह हम डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कल से डबल फोर्स बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। सर, कहाँ देखते हैं पीडीपी को, क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, जिनका माना जाता है कि मजबूत है पीडीपी से अभी, तो कहाँ देखते हैं आप? नहीं, पीडीपी का अपना एक अलग मंशूर है, पीडीपी भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने कल भी कहा कि मेरे ऊपर कोई बैगेज नहीं है, आई कैन फ्लाई। मेरा जो जिस्म है पूरा साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है, मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो सो विदाउट बैगेज आई कैन फ्लाई। तो पीडीपी का कैंडिडेट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आई मीन टू से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इंशाल्लाह। मेहनत करनी है, कामयाबी हमारी होगी इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उनके अगेंस्ट जो पीडीपी का मैनिफेस्टो है, तो क्या क्या देखते हैं उनमें चेंजेस? देखिए, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं फ़िलहाल आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिफेस्टो बोलता हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ूंगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिफेस्टो ये है, मैं घर घर जाके उनकी प्रॉब्लम्स देखूंगा, तो वही मेरा मैनिफेस्टो है। मैं यहाँ से वो एक दायरे में नहीं रहूँगा, मेरा ओपन रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो ओपन रहेगा। जो जो परेशानियां हैं, जो जो मुश्किलात है, मैं वही उसी टाइम पेन डाउन करते जाऊंगा, वही मेरा मैनिफेस्टो बनेगा। तो जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपने लोगों से बात की कल, तो क्या कुछ निकल के आया? किन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको? देखिए, सबसे पहले लोग जो है उन्होंने ये वोट का ताकत समझा है। उनको पता है कि ये हमारा हक है, वो अपना हक ज़ाया नहीं करेंगे। उनकी वोट उनकी ताकत है, वो इस ताकत को गलत हाथों में आने नहीं देंगे। क्योंकि जो उनके साथ प्रीवियसली जो उनके साथ परेशानियां हुई है, फिर आज वो बेसिकली नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह मतलब काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह।